क्या रे, टेंशन से पागल हुआ जा रहा है ना? मार्केट में धमकी दी थी ना कि 24 घंटे में मुझे मार डालेगा। तेरे पास 12 घंटे हैं। अगर तुझे अब भी लगता है कि तू मुझे मार सकता है तो मार के दिखा। लगता है मेरी माँ ने काफी सोच समझ कर मेरा नाम रखा था, मणि, मणि शंकर। मैं सिर्फ पैसों के लिए अंधेरी दुनिया में दिखने वाले खतरों के खेल खेलता हूँ, और जब भी खेलता हूँ तो सामने वाले के खेल को अपनी मूंछों पर ताव देकर शुरू करता हूँ। कैसा है? तेरी वजह से हमारा मणि हार जाएगा। अंदर जा, दोबारा ऐसा मत करना, समझ गया? अंदर जा। अच्छा ठीक है। पैसा हमारा ही होगा। क्या रे, किधर तक पहुंचे? सांस फूल रही है इसलिए लोग बाहर आ रहे, लेकिन मणि अंदर ही है, बाहर नहीं आया। हमारे मणि को मणि दिख गया तो ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है। ए, वो देखो मणि, 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 जिनका दिखे तुम्हें। ये कौन है? हे, ये सब क्या हो रहा है? ये तो चीटिंग है। क्यों गिरी, ये नया है क्या? यहाँ जो ताकतवर है वही रूल्स भी बनाता है। बढ़ गई है पर दिमाग नहीं बढ़ा। क्या जरूरत थी ऐसा पंगा लेने की? वो चीटिंग करेगा और मैं देखता रहूं। देखेगा नहीं तो क्या करेगा? तू क्या ओलंपिक्स में भाग ले रहा है? वो सब मैं नहीं जानता, मैं गेम खेल रहा हूं तो मुझे जीतना है बस। सुनना, बेटिंग वगैरह हम छोड़ देते हैं, मेरी बात मान जा। वैसे ही टाइम बुरा चल रहा है। देख, तूने पैसे कमाए मैं मानता हूं, पर जोसेफ को 30 लाख रुपए देना याद है ना? है या नहीं? चीयर्स। हैं, इसको तो पड़ी ही नहीं है। इधर आ, वो देख उसकी हालत। ये टपक तो नहीं गया? बहुत मारा यार तूने।
पुलिस केस से बचने और डॉक्टर को मैनेज करने के 25,000 लगेंगे। बीच में तेरा कट है ना? ए तू चुप रहे। दोस्त की मदद फ्री में करनी चाहिए, कमीशन लेकर नहीं। ए तू अपनी बांसुरी बजाना बंद करना रे। मेरा नाम कृष्णा है। सुन, ये एक मेडिकल केस है, उस डॉक्टर को बहुत मुश्किल से पटाया मैंने। अपने कपड़े बेच कर भी ना पैसे जमा करने पड़ेंगे इस केस से बचने के लिए। ये खबर फैल गई ना तो पुलिस अपन को उठा के अंदर कर देगी। पुलिस स्टेशन में सिर्फ कपड़े नहीं अंडरवेयर भी उतारते हैं। अच्छा, मैंने नहीं पहना। ये मामला हम खुद रफा दफा कर लेंगे। ठीक है, अब सोच क्या रहा है? पैसे तुझे एक ही जगह से मिल सकते हैं, जा मां के पास। बारिश हो रही है, बाहर के सारे कपड़े गीले हो गए। मामा जी आ गए, चल। आज ही मैंने यहाँ के पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल का चार्ज लिया है यार। काम में काफी बिजी था और आधे घंटे पहले ही मैंने अपनी बहन को बताया कि मैं तुम्हें लेकर आ रहा हूँ, शायद इसीलिए ये लोग घबरा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं रंगनाथ, असल में हुआ यह है कि जब से इसने तुम्हारी भांजी को देखा है ना, बात चलाने के लिए पीछे पड़ा है, क्योंकि कल ये सिंगापुर जा रहा है। जल्दी कर। माँ इतनी जल्दी भी मेरी? तू चुप कर, तेरी शादी के लिए मन्नत मांगी है। अच्छा है, मैं भी मन्नत मांगूंगी कि ये रिश्ता ना हो। कुछ भी बोलती है, मामा जी ने अच्छा लड़का ही देखा है, चल। आओ आओ, मेरी बहन ललिता। नमस्कार। सेंट्रल लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन का काम करती है, अच्छी राइटर भी है। और ये मेरी भांजी पल्लवी, बचपन में ही इसके पिता गुजर गए, लेकिन मेरी बहन ने इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। सुना है कि पल्लवी स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर है। जी सही कह रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। अरे ये यहाँ कैसे? इस घर की दहलीज पार किए हुए मुझे 15 साल हो गए। यहाँ की मुझे सिर्फ एक ही चीज याद है और वो मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ का ना दिखने वाला साथ। मणि यहाँ भी क्यों रहा है? चल अंदर चल। मुझे अर्जेंटली 25,000 चाहिए। चल अंदर चल, बैठ कर बात करते हैं, चल ना। तुम्हारे घर में इस जन्म में कदम नहीं रखूंगा, बकवास बंद करके पैसे दो। ए, तुझे इस घर से मतलब नहीं, लेकिन माँ से पैसे चाहिए। चुप हो जाओ भैया, क्या कह रहा है बेटा? इतनी रात गए, मैं 25,000 कहाँ से लेकर आऊंगी? चाहे तो तू कल सुबह ले लेना, पहले तू अंदर चल वरना बीमार पड़ जाएगा। समझ में नहीं आता, मुझे अभी चाहिए। ए, अंदर मेहमान है, बेकार में झगड़ा मत कर। मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ, पैसे दे दो चला जाऊंगा। जवान बेटा अपने परिवार के साथ रहकर जिम्मेदारी संभालता है, तुझे तो कुछ करना है नहीं, कम से कम उन्हें शांति से तो रहने दे। माँ आप अंदर जाइए, मैं भैया से बात कर लूंगी। नहीं बेटी, मामा जी आप जाइए प्लीज, मैं हूँ ना। माँ आप जाइए, मैं देखती हूँ। चलो आओ। क्या चाहिए तुझे मणि? पैसे ना, पैसे ही चाहिए ना? कितने बताना, कितने चाहिए? 25,000। ठीक है, टूर्नामेंट में जीते हुए पैसे मैंने संभाल कर रखे हैं, वो मैं तुम्हें दे दूंगी, ओके? लेकिन एक शर्त है। अब ध्यान से सुन, मुझे देखने लड़के वाले अभी हमारे घर आए हैं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती, समझा? मणि उसे सुनसान रास्ते पे छोड़ गया, ये क्या तरीका है रंगनाथ? मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया?
आप परेशान मत होइए। मणि को आपके बेटे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका सारा गुस्सा उसकी माँ से है। बिन बाप का बेटा है, इसलिए उसकी माँ ने उसे बहुत प्यार से पाला है। बचपन से ही वो जो मांगता गया उसे मिलता गया। स्कूल खत्म होते ही घर आ जाना, बाहर मत घूमना। ठीक है माँ। पर ज्यादा लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया और वो गलत रास्ते पर चला गया। उसके स्कूल के पास एक गैंग आइसक्रीम और पकौड़ों में नशे की दवाई मिलाती थी। अनजाने में मणि को उस नशे की आदत पड़ गई। फिर ड्रग्स खरीदने के लिए वो फ्रॉड करने लगा। फ्रेंड्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स पर पेरेंट्स के साइन करना, मार्क्स बदलकर उनसे पैसे लेना और फिर उसी गैंग के साथ बैठकर नशा करना, ये उसका रोज का काम हो गया। और जब ये बात उसके स्कूल में पता चली तो शायद आपका बेटा ड्रग एडिक्ट हो गया, एक बार डॉक्टर को दिखाना ठीक रहेगा। आपके बेटे की हालत बहुत खराब है, उसे जल्दी से रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजना होगा। प्लीज मां, वहां नहीं जा सकता। मां प्लीज मेरी बात मान लीजिए। बेटे को अपने से दूर रिहैब सेंटर में भेजना ललिता को पसंद नहीं था, लेकिन बात हाथ से निकल जाएगी इस डर से ट्रीटमेंट के लिए मणि को रिहैब सेंटर में उसे भेजना ही पड़ा। नशे का आदि हो चुका मणि ज्यादा दिन उन चार दीवारों के बीच रह नहीं पाया। अरे मणि, कैसा है तू? मैं वहाँ नहीं रह सकता माँ, मैं आप ही के साथ रहूंगा। नहीं बेटा, पहले ट्रीटमेंट तो पूरी हो जाने दे। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा माँ। मणि, मैडम जब मैं बाहर था तब आपके बेटे ने डिस्चार्ज पेपर्स और पास पर मेरी साइन की और भाग गया। डॉक्टर, मणि को कुछ दिन मेरे साथ रहने दीजिए। नहीं मैडम, आपके बेटे को यहाँ जल्द से जल्दी आइए, अगर अभी उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो हैवान बन जाएगा। क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहा था? ललिता मणि को अपने साथ रखना तो चाहती थी, लेकिन घर में उसके बर्ताव और कोई दूसरा उपाय सूझता न देखकर अपने बेटे को खोने के डर से उसने दोबारा उसे रिहैब सेंटर ज्वाइन कर लिया। मणि को जो ट्रीटमेंट दिए गए उसे उसने टॉर्चर समझा, जिसकी वजह उसने अपनी माँ को मारा। मणि ने ललिता से बात करना और उससे मिलना बंद कर दिया। उसका एडिक्शन मिटाने के लिए रिहैब वालों ने कुछ एक्सट्रीम प्रोसीजर्स यूज किए। उसके अकेलेपन और डॉक्टर्स के इलाज ने उसे पत्थर बना दिया। और फिर 3 साल बाद एक दिन मौका देखकर वो रिहैब सेंटर से भाग गया। लाख कोशिशों के बावजूद फिर उसे कोई घर नहीं ला सका और गलतफहमियों का शिकार मणि माँ के प्यार से दूर हो गया। हम चाहते थे वो कहीं भी रहे ठीक रहे, लेकिन हमें अफसोस ये है कि आज भी वो ड्रग का शिकार है और एक पब में डीजे का काम करता है। देख लेना, मैं अभी आ गया। हाय मणि, कैसे हो? हाय। ये क्या तरीका है, इतनी जल्दी असिस्टेंट के भरोसे छोड़ के चला गया। मणि, ए मणि, ये क्या चल रहा है, बीच में अपने असिस्टेंट को बिठा के आगे इस एटीट्यूड से अपना करियर खराब कर रहे हो। बैटिंग बैटिंग जब देखो बैटिंग, बैटिंग में पैसे उड़ाते हो और घर जाके अपनी माँ से झगड़ा करते हो। तुम्हारी माँ तुमसे कितनी दुखी है पता है ना? तो माँ ने तुम्हारे कान भी भर दिए हैं। ज्यादा ज्ञान मत बांटो, मैं जानता हूँ वो कैसी हैं। मणि, तुम अपनी माँ को गलत समझ रहे हो। कल बाजार में तुम्हारे मामा से मुलाकात हुई थी मेरी, मैंने उनके साथ 6 साल काम किया है, सब जानते हैं कि वो कितने अच्छे आदमी हैं, बस तुम्हें ही प्रॉब्लम है उनसे। मणि, मैंने कहा ना मुझे तुम पसंद हो, तुम मुझे हाँ कब कहोगे?
जब देखो मुझसे बचकर भागते रहते हो तुम। आखिर मुझ में क्या कमी है? लड़की में एक नशा होना चाहिए जो चढ़ के जल्दी उतर जाए। तो एक बार तुम मेरा नशा आजमा कर देख लो। तुम्हें नशा ट्राई करके नहीं देख के हो जाना चाहिए। चिल मारो। ये करीब 3 ग्राम कोकेन है, लेकिन इतने से ही अच्छा खासा इंसान सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। कभी मैं भी इसका गुलाम हुआ करता था, और जब मैं इसका नशा करता था कोई मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन मेरे लिए क्या कर सकती है? क्या? हमें रूम चाहिए। शादीशुदा हो? नहीं, वो समझ गया। गाड़ी खराब हो गई है, लास्ट बस छूट गई है या लास्ट ट्रेन छूट गई है, दोस्त फोन नहीं उठा रहा, ये बहाना बनाओगे ना? मैं पहले भी सुन चुका हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर ये ले चाबी और बना दे इसको मेरी भाभी। आखिर सबकी प्रॉब्लम क्या है? पार्क में पुलिस निकाल देती है, थिएटर में टॉर्च मारते हैं, सड़क पर लोग देखते हैं, घर लेके जाओ तो वहाँ पर बीवी है। अब इसका क्या करूंगा? तू तो भाई मछली से भी ज्यादा तड़प रहा है। मेरी तरफ से 20% डिस्काउंट तेरी मेहनत के लिए। आपको भी मिलेगी, नेक्स्ट टाइम 2 लेके आना। चलो मचाते हैं। आजकल कैसे कैसे को मिल जा रही है, अपना टाइम कब आएगा? तू बार छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गया? अरे पैसे मत निकाल, मैं सेठ को क्या बताऊंगा? बता देना। तू पैसे लेके जा रहा है, वो लड़की लेके चला गया, मैं यहाँ क्या करूंगा? बजा ले। अरे क्या बजा ले, मंदिर का घंटा बजाऊं? बिना मंजिल के मेरे अकेलेपन का यह अंधेरा ही सहारा है, इसीलिए अंधेरे की शुरुआत में जागता हूं और अंधेरे के आखिर में सोता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचे, मैं अपनी जिंदगी बेफिक्री से जीता हूं। जोसेफ, क्रिकेट बुकी, मुझे इससे खतरा है। बीच में इसे लगाई हर बेट में हार गया था। मुझे इसे 30 लाख रुपए देने हैं, लेकिन मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। इससे बचना मतलब खुद की जिंदगी पर बेट लगाना। ये तो यहां टपक गया। समझ क्या रखा है मुझे? बहुत बैटिंग करने की मस्ती है ना, रोज का किराया क्या तू? इसीलिए तेरे को कुछ बोला नहीं भाई। सॉरी भाई, आप ही को कॉल कर रहा था, फोन स्विच ऑफ हो गया। ये छोटी रकम नहीं है, समझा? भाई पक्का दे दूंगा भाई। कब देगा? थोड़ा टाइम दो भाई। जब पैसे नहीं थे तो इतनी बड़ी बैटिंग क्यों की? थोड़ा और टाइम दे दो ना। तुझे 2 महीने का टाइम दे रहा हूं मैं। 30 लाख ले 2 महीने? बहुत कम। 2 महीने मतलब? दो 6 महीने तो दो भाई। सिर्फ 2 महीने? चाहे इसके लिए तू अपनी जान दे दे, लेकिन मुझे अपने पैसे चाहिए। मैं 30 लाख कैसे जमा कर पाऊंगा? हाय, तुम डीजे मणि ही हो ना?
मैंने जॉगिंग करते समय तुम्हें यहाँ कई बार देखा है। बाय द वे आई एम मोनिका, आपको एक बात बताऊं, आई एम योर बिग फैन। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स भी हमेशा पार्टी करने आपके पब में ही आते हैं। क्या हुआ, आप बात क्यों नहीं कर रहे? कोई बात नहीं, लगता है आप किसी और मूड में हैं। चुप कर, सुबह सुबह दिमाग खा रही है, चल निकल। अरे जाने पहचाने हो इसलिए हाय बोलने के लिए रुक गई, पर आप तो चिल्लाने लगी। ओके बाय। ए रुक रुक, जरा अपना फोन दे मुझे। क्यों? कुछ काम है। हाँ, रूम्स फुल है। के मैं बोल रहा हूँ। मैंने सुना जोसेफ ने आके हंगामा किया। हाँ, उसकी कहानी बाद में सुनाऊंगा। अब सुन, कल परसों मैं पब में नहीं आऊंगा, डीजे सैंटी को बुला लेना। ठीक है, मैं बुला लूंगा। ये तुम्हारी फोटो है? हाँ, मेरी है। भर दिमाग से नहीं उतरी, दिन का उजाला भी दिखा दिया। रोज पीता। अरे ये देख, मणि सुबह सुबह उठ गया, लगता है नशा उतर गया। मणि आज बड़े फ्रेश नजर आ रहे हो, क्या बात है? कल रात चांद जो देखा था। अच्छा, लगता है इसे कोई मिल गई है। अच्छा तू बताना, कौन है वो लड़की, कहाँ रहती है, क्या करती है? अबे मणि, रात को ना अच्छे घर की लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती। ए, मुझे वो बहुत पसंद आई। क्या बात है, बाबा जी का ढुल्लू फाइनली जाग गया। वो पक्का आएगी ना? रोज इसी वक्त जॉगिंग के लिए आती है। अरे पूरी दुनिया इस वक्त सोती है और वो लड़की उठ के भागती है, ये कैसी भूतनी पटा रहा है? अबे उसे बोल हम इंडिया में रहते हैं, अमेरिका में नहीं। चल छोड़, उसका नाम वाम कुछ है? मोनिका। बाप रे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। उसकी कोई दोस्त है क्या? के वो आ गई। अबे मेरी बात चला रहा था, अभी आना था क्या इसे? यहाँ तो दो लड़कियां हैं, मेरी किस्मत खुल गई। तेरी वाली को बोलना कि इस गरीब का भी भला कर दे। हाँ, और मणि मैं सेठ को बोल के ना अपन दोनों के लिए एक परमानेंट रूम बुक कर लेता हूँ, ठीक है? बताया था ना डीजे मणि। ओ, कुछ बात करनी है। मुझे भी कुछ ही कुछ है बात करनी है। तुम करते क्या हो? पुलिस डिपार्टमेंट, SI ट्रेनिंग। घबरा मत, मैं बात करता हूँ। बहन जी आप क्या काम करती हैं? अरे क्या हो गया, मैं बात कर रहा हूँ ना, बीच में मुझे टोक मत। तू चलना यार। हे वन सेकंड, एक जरूरी बात है मेरी इस छोटी सी दुनिया में। हे मणि, लंबा चौड़ा प्रवचन मत देना, घर भी जाना है। तो निकलेगा या? अरे ऑटो नहीं मिलेगी, पागल है। निकल। कभी सोचा नहीं था कि लड़की को ऐसे बीच सड़क पर रोक कर बात करूंगा। आसपास अंधेरा, एक तरफ मशीन्स, दूसरी तरफ लाउड साउंड्स और अकेलापन। बहुत मैकेनिकल थी मेरी लाइफ। मैंने सोचा जो है सो है, लेकिन जब से तुम्हें देखा है बेचैन सा हो गया हूं। ये कोई लव प्रपोजल नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं प्यार होता क्या है, पर मुझे तुम बहुत पसंद आई, मैं भी तुम्हें पसंद हूं, तो हम शादी कर लें। सोचने के लिए वक्त देता हूं। मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार देखा और तुम्हारा दीवाना हो गया। तुमने तो मुझे कई बार देखा है और कहा कि मेरी फैन भी हो। तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। बोल दिया यार, दिल खोल दिया। वाह, इंसान मोशन को रोक सकता है लेकिन इमोशन को नहीं रोक सकता। ग्रेट। राधा कृष्ण का सफर है
सुना पल्लवी, मणि को भी मोनिका के टीम में होना है, इसे भी खिलाओ ना। हमारी टीम में एक प्लेयर कम है, तो अब क्या करें? मेरे भैया खेल सकते हैं। गर्ल्स टीम में बॉयज कैसे खेलेंगे? वो सिंगल हैंड से खेल लेंगे। ओके। कदम से मिल जाए कदम, प्यार यही है सनम, नजरें मेरी ढूंढे तुम्हें, आ जाओ सामने अब तुम। दाढ़ी मूछ तुम हमेशा ऐसे ही रखते हो? आदत समझ लो या स्टाइल समझ लो, ये हमेशा ऐसी ही रहेंगी, और मैं भी हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। लगती हो प्यारी, लगती हो अपनी, क्या और कहूं मैं? पता है मणि आजकल बहुत बदल गया, और तो और वक्त पर आ रहा है और सबके साथ अच्छे से बात करता है। वो चाहे कहीं भी रहे, बस ड्रग से दूर रहे और कुछ नहीं। यही सच है, नजरें चाहे तुम्हें जहां, आपके बेटे को बैंगन पसंद है तो सिर्फ बैंगन ही बना के खिलाओगे क्या? वो नहीं आने वाला। तुझे लगता है वो नहीं आएगा? मुझे पूरा यकीन है, एक न एक दिन वो मेरे लिए जरूर आएगा। वो तो पता नहीं, लेकिन आपके बेटे को एक लड़की से प्यार हो गया है, वो लड़की पुलिस ऑफिसर बनने वाली है। अब है मेरी, तू है जा मेरी, अंधेरा मिटाकर रोशनी की जिंदगी। कल मेरे चाचू आ रहे हैं, मेरे मॉम डैड के गुजरने के बाद उन्होंने ही मुझे बड़ा किया है। अच्छा, अब एक गेम खेले। कौन सी गेम? हम दोनों कार में बैठेंगे, सारे शीशे बंद कर देंगे। अब जल्दी करो, आओ ना। हमेशा यही बोलते हो। कल मिलने आओगी ना? मिलने के लिए आऊंगी, गेम्स के लिए नहीं। ओके। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। तुझे 2 महीने का टाइम दे रहा हूं मैं, चाहे इसके लिए तू अपनी जान दे दे, लेकिन मुझे अपने पैसे चाहिए। जोसेफ, जोसेफ, मुझे एक मौका तो दो, तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। जोसेफ, प्यास लगी है बे। Oh.
कहाँ चला गया था? तुझे ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया। मुझे बुलाता तो मैं भी आ जाता। मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए टेंशन के मारे मैं हर दिन ये बिरयानी खा रहा था। ये ले, तू भी खा। तेरा म्यूजिक सुने हुए कितना टाइम हो गया है मुझे। कोल्ड ड्रिंक भी आ गया? बस इतना ही है बे। क्यों पे डीजे, गोडाउन की खामोशी कैसी थी? इस बार तो तू जल्दी बाहर आ गया। तुझे 2 महीने दिए थे पैसा लौटाने के लिए। ये 2 महीने में तेरे को एक बार भी मेरी याद नहीं आई, इसीलिए तुझे वो खामोशी वाला ट्रेलर दिखाया ताकि मैं याद रहूं। अब नहीं भूलेगा, तुझे मरते दम तक मैं याद रहूंगा। अब सुन, तुझे मैं 20 दिन का टाइम देता हूँ। इस बार गड़बड़ हुई तो ट्रेलर नहीं पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। तेरे पास सिर्फ 20 दिन बचे। तीस लाख नहीं हो पाएगा भाई, रकम बहुत ज्यादा है, एक कश तो लगाओ। लेकिन मेरे दिमाग में बत्ती तो चली है। वो क्या है ना, वो क्या है वो? कल विकाराबाद फॉरेस्ट में एक गेम रखा है मणि, वही अपना पुराना बॉस सूर्या है ना, हर साल इलीगल गेम चलाता है। उसे जीत लिया तो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन एक छोटी सी शर्त है, उधर सबको 3 लाख रुपए जमा करना होगा। यहाँ फूटी कौड़ी नहीं है और ये 3 लाख की बात कर रहा है। तुझे जोसेफ से नहीं, इससे दूर रहना चाहिए। ए कृष्णा, तेरी बांसुरी बजाऊं क्या? अबे कृष्णा, मैं हूँ, मैं तेरी बांसुरी बजाऊंगा। 3 लाख जमा करके अगर गेम जीत गए तो बुकी का कमीशन निकाल कर 20 लाख बचेगा। इस ऑफर पे चौपर मत मारो। इतनी जल्दी हमें 3 लाख कौन देगा? मैंने सुना है कोहली के पास पैसे आए। क्या हुआ मणि, अब तक घर नहीं गए तुम? कोहली, मुझे एक हेल्प चाहिए। ललिता जी के बेटे हो, तुम्हारी मदद कैसे नहीं करूंगा। सुना है तुम्हें चिटफंड के पैसे मिले हैं, मुझे 3 लाख चाहिए, बहुत जरूरी काम है। मणि, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत सोचा। तुम्हारी माँ ने हमारे परिवार की बहुत मदद की है और उन्हीं की वजह से आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। ये लो, पूरे 3 लाख है, पिछले 1 साल से जमा कर रहा हूं। गांव के घर के मरम्मत के लिए थे, कोई बात नहीं, अगले साल करवा लूंगा। बस तुम कुछ गलत मत करना। ये तुम्हें देखकर नहीं दे रहा हूं, तुम्हारी माँ की इज्जत करता हूं इसलिए दे रहा हूं, ये भूलना मत। वेलकम मणि भाई, वेलकम टू जंगल। अबे ये क्या कह रहा है, गूगल मैप्स पे तो इस जगह का नाम जंगल नहीं था। तो फिर शुरू हो गया, ऐसे खुफिया गेम्स ऐसे खुफिया जगहों पर ही होते हैं। इधर पुलिस वाले या गांव वाले कोई भी नहीं आता, पुलिस से पहले खबर हम तक पहुंचती है। कहीं जंगल में जानवर तो नहीं होंगे? जानवरों से खतरनाक इंसान होते हैं।
अली भाई, भाई क्या हुआ? उस लड़की का क्या करना है? वो कौन सी मेरी बीवी लगती है? खाना खा लिया और डकार भी ले ली, समझा? ये ले माल और जाके उसके मुंह पे मार। ठीक है भाई, पूरे थोड़ी दूंगा उसे। ये लो 10,000। मैंने तो 20,000 कहा था। उसे मजा नहीं आया होगा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। ए, लड़की के साथ बहुत रिस्क है, चल निकल। हाँ ठीक है भाई। अबे ये सब क्या है? इस गेम में लाखों लगे हैं, ये मजाक नहीं है। वो देख कौन आया है। अबे ये कितना लंबा है, लगता है ऊंट और जिराफ का बेबी है। अबे ये काली है, पिछली बार ये 20,00,000 जीता था। अबे ये तो सेलफोन टावर लग रहा है। क्यों बे मणि, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये तेरी गली का खेल नहीं है, इसका लेवल अलग है। वैसे भी ये मर्दों का खेल है बे। मर्द की बात करता है तो कभी गली में भी गेम जीता है? भूतनी के मर्दानगी सिर्फ दाढ़ी मूछ रखने से नहीं, जिगरा रखने से आती है। तो चले देखते हैं असली मर्द तू है या फिर मैं। ठीक है दोस्तों, गेम शुरू करते हैं। इस घने अंधेरे जंगल में जहां एक पेड़ के नीचे एक पैकेट के साथ हमने पैसे छिपाए हैं, पूरे 20,00,000। तुम में से जो कोई उसे सबसे पहले ढूंढकर शंख बजाएगा वो पैसे उसके हो जाएंगे, खेल वहीं खत्म हो जाएगा। तुम्हें एक सुराग देता हूं, पेड़ से बंधा होगा एक लाल कपड़ा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, तुम लोगों को भटकाने के लिए ऐसे लाल कपड़े और भी कई पेड़ों से बांधे गए हैं। लेकिन तुम्हें वो पेड़ ढूंढना है जिसके नीचे 20,00,000 रुपए हैं। इस खतरनाक गेम में तुम्हारे साथ अगर कुछ है तो वो है तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी किस्मत। क्या तुम सब तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? तो शुरू हो जाओ। मर्दानगी की बात करता है। Thank you.
वो 20 लाख रुपए लेके भाग गया है। अब क्या? काली कहाँ मिलेगा? हमारे ये खेल गैर कानूनी होते हैं। हिस्सा लेने वालों के बारे में हम कुछ नहीं जानते और ये काली के बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा तो यही होगा कि तुम उसे ढूंढ कर उससे किसी भी तरह वो पैसे छीन लो। मेरे लोग इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। ए छोटे, काली इधर आया था क्या? आज तो नहीं आया। इधर मिलेगा वो? मुझे नहीं पता। इनको भी नहीं पता मणि, मलेशिया या बैंकॉक गया होगा। उसको पैसा जो मिल गया। गेम खेला तुमने, सारे पैसे हार गए ना? गलती कर दी मणि। इंसान की नीयत से उसकी असलियत का पता चलता है। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद गलती की जो तुम्हें पैसे दिए। मैं तुम्हारे पैसे किसी बस करो, झूठ बोलना तुम्हारी फितरत बन चुकी है। इतने सालों बाद तुम्हें कोहली की याद आई। शुक्र है, हमेशा 4 लोग इसके पीछे चलते थे और आज ये खुद चलने लायक नहीं रहा। पिछले साल लकवा मार गया। वो तुमसे बात क्यों नहीं करना चाहता? ऐसा क्या हुआ तुम लोगों के बीच? गलती की थी, इंसान जो हूं। ₹6 लाख? वो क्यों देके गया? मणि, इतनी देर से आए हो? प्रोग्राम तो कब का शुरू हो चुका है? क्या बोल रहे हो, प्रोग्राम? तुम्हारी माँ ने जो ये बच्चों पे बुक लिखी है उसे नेशनल अवार्ड मिला है। तुम्हारी माँ का सम्मान जो हो रहा है, यहाँ भी लेट, जल्दी जाओ। थैंक यू सर। अगर इस किताब की कहानी की बात करें तो वो ये है कि एक गांव में एक लावारिस 9 दिन के बच्चे को कुत्ते खींच कर ले जा रहे थे। गाँव वालों ने ये नजारा देखा तो उन लोगों ने उस बच्चे को उन कुत्तों से बचाया, उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। वो बच्चा बड़ा होकर कलेक्टर बना। उसने शहर से लौटकर उस गांव में आकर उस गांव का भला किया। अगर चंद शब्दों में कहूं तो ये इंसानियत की एक जीती जागती मिसाल है। ये एक कमाल की कहानी है, बहुत अच्छा लिखा है आपने। थैंक यू सर। आप कुछ कहिए। सबको मेरा नमस्कार। ये बुक लिखने की बड़ी वजह मेरे पति थे, वो अब नहीं रहे। वही मेरी प्रेरणा थे, उन्हीं की वजह से नौकरी करते करते ये बुक लिख पाई थी। अगर हमारे बच्चे कोई मुकाम हासिल करते हैं तो इस बात से हमें बहुत खुशी मिलती है। उसी तरह एक माँ होने के नाते मैं भी। यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहें। नमस्कार। मणि, तुझे यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह ही अनाउंस किया गया कि मुझे ये अवार्ड। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे 40 लाख चाहिए। क्या कहा तूने? मैंने जो कहा तुमने सही सुना, मुझे अब ये पैसा चाहिए। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? ए, तुम बीच में मत आओ।
मुझे अपनी जायदाद चाहिए। मेरी जायदाद मेरा नाम कर दो। तू होश में तो है? ये क्या बोले जा रहे? सिखाओ मत मुझे कब काम क्या बोलना चाहिए। अच्छा होगा तुम अपना काम करो, मुझे अपनी जायदाद चाहिए। अभी इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? देख हम बाद में बात करते हैं, तू अभी मेरी बात ध्यान से। मुझे नहीं सुनना, मुझे मेरे पैसे चाहिए। नहीं मणि, ऐसे कैसे पैसे ला सकते? कुछ नहीं मिलेगा तुझे, तू यहाँ से निकल, चल बाहर चल। कहाँ ना निकल, क्लियर नहीं हो जाता मैं नहीं जाऊंगा। मणि मुझे अपनी जायदाद चाहिए। सब लोग देख रहे हैं हमें, देखने दो भैया। ये क्या हो गया तुझे? घर चलकर बात करते हैं ना। मणि बैंक में इस वक्त 5 लाख हैं, बाकी के पैसे मैं बाद में। इस वक्त ये क्या भीख दे रही हो? बेटे को भीख दे रही हो? हाँ चुप कर, इतने ही है मेरे पास, और पैसे कहाँ से लाऊं बेटा? मणि ऐसे क्यों बात कर रहा? मेरे पास अभी मणि हमारे पास जो पैसा है वो मुझे मेरे पैसे छोड़ दीजिए, वो मेरा बेटा है, छोड़ दीजिए। ये सब कब तक चलता रहेगा? हाय पल्लवी। हाय। ये क्या हुआ यहाँ? ये खरोच कैसी? क्या हुआ यार? कुछ नहीं यार, लाइब्रेरी में भैया ने माँ के साथ जो झगड़ा किया उससे वो बहुत डिस्टर्ब थी। अकेडमी रोड से जाते हुए मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था, फिर अचानक मुझे लगा पीछे से किसी ने मेरे गले से कुछ खींचा। देखा तो गले में चेन ही नहीं थी, वो आदमी मेरी चेन लेकर भाग गया। ये बात माँ जानती है? उनको बताऊंगी तो वो और परेशान हो जाएंगी। खेलते वक्त चोट लगी थी, ऐसा कोई बहाना बनाना पड़ेगा। पहले ही घर का माहौल काफी बिगड़ा हुआ है। तुम यहाँ कैसे? तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। हाँ? मैंने क्या किया? चेहरा ऐसे बना रहे हो जैसे कुछ नहीं जानते, रोज ऐसे मुझसे बचकर घूमना गलत ही है ना? वो छोड़ो, तुम यहाँ कैसे? जा रही थी तो तुम्हारी खटारा गाड़ी दिख गई, इसीलिए आ गई। एक मैसेज नहीं किया, एक कॉल भी नहीं किया, हो क्या गया है तुम्हें? मोनिका छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। इज एवरीथिंग ओके? हाँ सब ठीक है, बस छोटा सा अर्जेंट काम है, वो होते ही कल मिलते हैं, ठीक है ना? ठीक है, बाय। बाय बाय। हेलो मैडम, मैं कोऑपरेटिव बैंक से बोल रहा हूँ। मैडम आपके अकाउंट में 40 लाख रुपए क्लियरेंस के लिए आए। मैडम 40 लाख? हाँ 40। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ 5 लाख का चेक दिया था, एक बार चेक करके देखिए। नहीं मैडम 40 लाख का ही है, इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से मैंने आपको कॉल बैक किया। अच्छा, मैं बाद में कॉल करती हूँ। जी मैडम ठीक है।
हेलो हेलो सर, मैं कॉम्पली सेंट्रल बैंक से कृष्णा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपका एक 40 लैक्स का चेक बाउंस हो गया है सर। मणि, तुम्हारी माँ ने फोन किया, दो दिन से फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम उनका? लो बात करो। मणि बोल रहा हूँ। जी आपको? यहाँ ललिता देवी कौन? मैं हूँ। आपके लिए एक लीगल नोटिस है। मुझे लीगल नोटिस कौन भेज सकता है? आपने जो 40 लाख का चेक दिया था वो बाउंस हो गया है, उस वजह से आपके बेटे ने आप पे केस कर दिया है। यहाँ साइन कर दीजिए। अब ये क्या किया तूने? अपनी मां पर कोई केस करता है क्या? पैसा पैसा पैसा, हमेशा पैसे के पीछे पड़ा रहता है। तेरी हरकतें बर्दाश्त करता आया हूं मैं। छी, अपनी मां को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, शर्म नहीं आती तुझे? तुझे देख के मुझे घिन आ रही है। घिन आ रही है? जिस मां ने मुझे 9 महीने अपने पेट में पाला, वही मां जन्म देने के बाद मुझे झेल नहीं पाई और छोड़ दिया। मानता हूं मैं बचपन में गलत रास्ते पर चल पड़ा था, सब मुझसे दूर हो गए, लेकिन मेरी मां वो भी मुझे बीच मझधार में छोड़ गई। जिस वक्त मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसी वक्त वो मेरे साथ नहीं थी। मानसिक रूप से मैं खोखला हो गया था। रिहाब की 4 दीवारों के बीच मैं अकेला पड़ा रहा, रोया, चीखा, चिल्लाया, उनको याद किया। पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मां की ममता क्या तब सो गई थी? अगर तुम्हें लगता है मैंने उनके साथ गलत किया, तो उन्होंने जो किया वो पाप है, सोचना इस बारे में। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, या तो अब मैं रहूंगा या फिर मिसेस ललिता देवी। जोसेफ है? तुम्हारा नाम? मणि। आ जाओ। जोसेफ, क्या रे, तेरी तारीख तो अभी आई नहीं है हाँ? जोसेफ, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूं। मुझे तुम्हें 30 लाख देने हैं, लेकिन अभी मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। फिर चाहे तुम मुझे छोड़ दो या मार दो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी बात सुनो। मेरा एक लीगल केस चल रहा है, अगर वो क्लियर हो गया तो मैं तुम्हें 30 नहीं बल्कि 35 लाख दूंगा। तो जो है यही है। तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए मेरे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है। ये है तेरा ऑप्शन? ये देख, न्यूज वालों को अच्छा मसाला दिया है, एक माँ को सड़क पर लाने वाला बेटा, अच्छी हेडलाइन है। माँ जरा यहाँ तो देखो, भैया ने आप पर जो केस किया है उसके बारे में अखबार में छप गया है। वो ऐसा क्यों कर रहा है माँ? माँ के बिगड़े हुए लाडले। मणि, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तू तेरी माँ को सड़क पर ला, बहन को ला या पूरे खानदान को, अपने को चाहिए सिर्फ अपना पैसा, और 30 नहीं पूरे 35 लाख। मैं वेट करूंगा।
ताजा खबर, हैदराबाद में एक बेटा अपनी माँ को सड़क पर ले आया है। मणिशंकर नाम का ये युवक पब में एक डीजे का काम करता है। उसने अपनी माँ ललिता देवी पर चेक बाउंस होने का केस किया है। राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड जीतकर पहचान पाने वाली ललिता देवी के लिए ये बहुत ही अपमानजनक बात है। अब देखना ये है कि इस केस में जीत माँ की होती है या फिर बेटे की। मेरे अतीत, मेरी परेशानियों को ना समझ पाने वाले इस घटिया समाज ने मैंने जो किया उस पर गलती की मोहर लगा दी है। अब चाहे जो हो जाए, मुझे उसका सामना करके जीतना ही होगा। पर कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। ऐसे में शायद एक चीज काम आ जाए। इसे लेने के बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अच्छी है। Cheers. This is for you. Smart लग रहे हो। Let's dance. हाँ। कहाँ ले जा रहे हो? अभी आ जाएंगे। बात क्या है? आओ ना। यार रूम की चाबी दे। क्या बात है? रूम में धूम मचाने वाला है। All the best. चलो। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मणि, स्टॉप इट मणि। मणि, तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? हटो, तुमने ड्रग्स ली हुई है क्या? Two minutes break. I'm ready. Mm-hmm.
मोनिका मोनिका यार इसका तो दिमाग खराब हो गया। मोनिका रुको ना प्लीज। मोनिका रुक जाओ, छोड़ो मुझे। जा रही हो अपनी माँ पर केस करोगे तुम? छी, लव रिलेशंस इमोशंस, तुम उनकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं जानते। मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं जानती हूँ उनकी वैल्यू क्या है। मोनिका रुको प्लीज, मोनिका आ जाओ। ऑटो ये भिखारी तो जाना पहचाना लग रहा है, कौन है ये? अबे ये तो मणि है, नंगा क्या कर रहा है? क्या हुआ भाई, साधुओं की तरह क्यों बैठा हुआ है? क्या हुआ बे, आधा काम छोड़ के भाग आया क्या? बचपन में माँ ने छोड़ दिया और अब इसने भी छोड़ दिया यार। सब मुझे ऐसे बीच में क्यों छोड़ देते हैं? देख भाई बुरा मत मानना, पर तुझे झेलना बहुत मुश्किल है। क्या बोला? ये तो काली की तरह दिख रहा है। अबे मणि ये तो काली ही है। क्या काली पीली? अबे काली वो ऊंट का बच्चा जिसने गेम में तेरे पैसे छीन लिए थे, इसे पकड़ना होगा। चल उठ आजा। मैं तो भूल गया हम भाग क्यों रहे थे। अबे ओए उसकी गाड़ी इधर है, इस तरफ आजा जल्दी। ये रहा सेम नंबर। कहाँ गया? अंदर ही होगा। अबे क्या कर रहा है, ध्यान से। कहाँ गया? अबे तुझे होश है कि नहीं, अपना चश्मा उतार। काली कहाँ है? यहाँ तो ऑफिस है यार, लगता है इसके अंदर ही गया होगा। काली यहाँ से बच जा, पुलिस पकड़ लेगी। अबे उतर पुलिस। यहाँ से मत जा, चल यहाँ से। यार तूने तो परेशान करके रख दिया है। कार चुरा ले। I'll catch you, Kali. अभी ये कोई ट्रॉफी है जो ऐसे दिखा रहा है? अबे रुक जा, कहाँ भाग रहा है? अबे सब लोग तुझे देख रहे हैं, कपड़े तो पहन ले। मणि अबे मेरी बात सुन, कपड़े पहन। मैं नहीं पहनूंगा। अपनी माँ को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, शर्म नहीं आती तुझे? अब ये देखने के लिए इंतजार करना होगा कि बेटा जीतेगा या माँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा।
क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901701 पर। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी? सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। के, उठ जा बे। कृष्ण का रेडी। ये नंबर प्लेट ले जाकर अर्जेंटली कार की डिटेल्स पता कर। अबे होश में आते ही तुझे काली याद आ गई। मोनिका, प्लीज एक बार तुमसे बात करनी है। मेरी बात सुनो मोनिका, प्लीज। मनी, मोनिका ने तुम्हारे बारे में मुझे सब बताया। एक्चुअली वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। उसके पेरेंट्स नहीं, इसलिए उनकी अहमियत वो अच्छे से जानती है। ऐसे में तुम्हारा अपनी माँ पर केस करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो इसी हफ्ते SI की ड्यूटी पर ज्वाइन हो रही है। ऐसे वक्त में वो ये डिस्टर्बेंस सहन नहीं कर पा रही। अगर तुम्हें मोनिका चाहिए तो तुम्हें बदलना होगा, अपनी माँ का केस विड्रॉ करना होगा। कोर्ट का समन तुम्हारी माँ तक पहुँच गया है। अगले हफ्ते हियरिंग है। अपनी माँ पर ही केस किया है इसलिए लॉयर्स पीछे हट गए, लेकिन मैं क्या करूँ, तू बचपन का दोस्त है ना, इसी मजबूरी में तो तेरा केस लड़ रहा हूँ। नहीं नहीं, अपना केस तो बहुत स्ट्रांग है, देखना हम ये केस जीत जाएंगे। वैसे अगर जो सोचा था नहीं हुआ तो ना, इस केस को प्रॉपर्टी केस में घुमाकर हम इसे अलग तरीके से डील कर सकते हैं।
अच्छा एक बात तो बता, अपने ही माँ बाप पर केस करना, ऐसे बढ़िया आइडिया तुझे देता कौन है, जरा बता। अच्छा असिस्टेंट, उस दिन हमने चेक बाउंस होने वाला केस लड़ा था ना, उसका पेमेंट आ गया। अच्छा वो केस ना, उनका चेक भी बाउंस हो गया। बाउंस सेम केस। बोल के नंबर प्लेट से एड्रेस मिल गया। हाँ बता। शमशाबाद गांधीनगर रोड नंबर 2 पोस्ट ऑफिस के पास। पर एक बात है, उस गाड़ी का ओनर शमशाबाद MLA जीवा रेड्डी है। यही है MLA का। हाँ यही है MLA जीवा रेड्डी। जीवा रेड्डी की एक दूसरी बीवी भी है, काली और दुर्गा उसी के बेटे हैं। देखो वो रहा दुर्गा, काली का भाई। इनकी माँ की कई साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी। इन दोनों की पहले जीवा रेड्डी से नहीं बनती थी, इसीलिए काली ना यहाँ आता था ना जीवा रेड्डी से मिलता था। पर ये दुर्गा बहुत शातिर है, जीवा रेड्डी को बहला फुसला के पार्टी यूथ प्रेसिडेंट बन गया। किसको कहाँ लपेटना है ये अच्छी तरह जानता है। दुर्गा काली से बहुत प्यार करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। फिर भी काली कहा जाता है, क्या करता है उसे कुछ नहीं पता। मुझे लगता है कि यहाँ काली के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। चलो चलते हैं। देख लिया, उसे शक नहीं होना चाहिए, कुछ मैनेज करना होगा। अभी ये तो यहाँ आ रहा है। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, कैजुअली भी है। मैं कह दूंगा गलती से आ गए थे। तो तुम मुझे क्यों लेकर आए हो साथ में? हाथ तो उतर जाना, चल बाहर निकल। हर बार मैं ही फंसता हूँ। वहाँ किसे देख रहे थे? सर एक्चुअली आपसे कुछ पूछने आए थे पर डर के पूछ नहीं पाए। तो पूछ। आपको बुरा तो नहीं लगेगा सर? तो पूछ। मदर प्रॉमिस? वो तो नहीं है सर। बस ये काली के बारे में ना बता दे। सर दरअसल एक सुपरहिट पिक्चर लगी है पर उसके सारे शोज हाउसफुल हो गए सर, इसीलिए हमारे लिए 3 टिकट का जुगाड़ कर सकते हैं क्या? ए, तुझे मालूम भी है तो किससे बात कर रहा है? सर प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, सिर्फ 3 टिकट्स की तो बात है सर, प्लीज सर, गरीब की दुआ लगेगी सर। ले जा इसे यहाँ से, ले जा। ऐसा ही होता है सर, आप 3 टिकट का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं पर वोट आपको ही चाहिए। वोट दिया था? हाँ सर दिया था। कौन से शहर में? अमरावती में। वो कहाँ है? हैदराबाद। वोट दिया हैदराबाद में? मुझे क्या बेवकूफ समझा है? कहीं तो दिया था ना सर। पागल कहीं का। मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, मैंने आपको ही वोट दिया था। अरे उस दिन हमें किडनी चाहिए थी ना, इसकी एक निकाल ले। अरे बाप रे किडनी, जल्दी जल्दी। जो वोट देता है उसका किडनी, जो वोट नहीं देता उसका क्या क्या निकालोगे? ये देश चाहता चाहता जवाब दो। साफ साफ समझ में आ रहा है कि चेक फॉर्जरी की गई है, ये आसानी से कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। आप पर जो केस लगाया गया है वो गलत है। आपको जो अच्छा लगे वो केस लगाइए, आप उस पर 420, 463, 67, 68 केसेस लगाइए, जरूरत पड़े तो 2-3 सेक्शन और ऐड कीजिए। भैया उसे एक और मौका दीजिए, आप कहें तो मैं उससे बात करूं। क्या बात करोगी तुम उससे? हाँ तुम्हारे प्यार की वजह से ही ये नौबत आई है, उसने फोर्जरी की है और तुमने ही उसकी हिम्मत को बढ़ाया है। वकील साहब आप प्रोसीड कीजिए, अंदर जाएगा तभी अकल आएगी उसे। ठीक है सर, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। उस पर रहम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुनो मणि कहाँ रहता है? सीधे जाइए राइट में दूसरा दरवाजा। मणि तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है बेटा? ये झगड़ा, ये केस, ये सब किस लिए? और तुझे इतने पैसे क्यों चाहिए? मेरी बात मान, ये सब छोड़ दे और मेरे साथ घर चल, चल। तेरे और पल्लवी के अलावा मेरा है ही कौन? हमें ऐसे दूर क्यों कर दिया बेटा? तू जितने पैसे मांगता है उतने पैसे मैं कहां से लाऊं? उस घर को कैसे बेच दूं? उस घर में तेरे पापा की यादें बसी हैं, बड़ी मेहनत से बनाया था वो उन्होंने। जरा सोच मणि, अगर मैं उस घर को बेच दूंगी तो फिर पल्लवी की शादी कैसे होगी? तू कभी हमारे बारे में सोचकर क्यों नहीं देखता? मान जा बेटा।
ये तो ललिता का बेटा है ना? ये तो ललिता ने भी करा था। क्या क्या हो रहा है? ये उस ये वही है ना जिसने अपनी माँ पे केस किया? हाँ अच्छा हुआ इसके साथ। मणिशंकर हाजिर हो? मणिशंकर मणिशंकर, आपने अपनी माँ पर केस फाइल की है। समाज में माँ और बेटे के रिश्ते के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम नहीं चाहते कि इस केस से लोगों में एक गलत धारणा पैदा हो। ये बताइए, क्या आप इस केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं? बोलिए मणिशंकर, आप लीगली प्रोसीड करना चाहते हैं या नहीं? लीगली प्रोसीड करना चाहता हूं। अरे ये क्या है? अपनी मां पे केस कर रहा है। जो मां पे केस करे पागल हो गया क्या? शर्म से उसे बाल आ गए। एक तो शॉट करता हूं, आज एक नाम पे एग्जाम्स करवा दिया। नहीं सर, कोई बात हुई? और हमेशा अपनी मां से पैसे मांगते रहता है। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, ये मणिशंकर नाम का इंसान अपनी होशियारी से कोर्ट को गुमराह करना चाहता है। अपनी मां पर केस करने वाला मेरे ख्याल से यह पहला इंसान होगा। अब सच्चाई की बात करते हैं तो इस केस से रिलेटेड जो बातें किसी को नहीं पता हैं, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर, मेरी क्लाइंट ललिता देवी ने अपने बेटे मणिशंकर को पिछले महीने मतलब मार्च 18 की तारीख को एक चेक इशू किया था। उस चेक की वैल्यू सिर्फ 5 लाख थी। ललिता, मुझे कुछ कहना है सर। कहाँ जा रही हो? बैठ जाओ। आप जो भी कहना चाहती हैं कटघरे में आकर कहिए। मुझे बोलने दीजिए। सर, अपने बेटे के बारे में कभी कोई माँ गलत नहीं होती, उसी तरह कोई बेटा अपनी माँ को गलत नहीं समझता। हमारे बीच जो भी परेशानियां हैं वो मेरी वजह से ही शुरू हुई, इसलिए इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूं। मेरे बेटे को जो पैसे चाहिए वो मैं उसे दे दूंगी, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था। हर घर में झगड़े गलतफहमियां होती रहती हैं। इन्हें चार दीवारों के बीच आपस में सुलझा लेना चाहिए। इन्हें समाज में इस तरह उछालना सही नहीं है। जो भी हो, परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ललिता जी को 1 महीने की मोहलत देकर मणिशंकर को 14 मई तक पैसे देने का हुक्म देती है। ये क्या किया तुमने? खुद सड़क पर आने के लिए तैयार हो गई पर उस पर फ्रॉड की मुहर नहीं लगने दी। कैसा प्यार है तुम्हारा, पर देख लेना वो सुधरेगा नहीं। ये हैं घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम्हें घर गिरवी रखना पड़ेगा। ये लीजिए चेक, 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसे बुलाइए भैया। नमस्ते अंकल। सर ललिता आ गया है वो।
तुम यहीं रहो, मैं आता हूं। साइन करवा लो उससे। चल साइन कर, ये ले पेन। नालायक कहीं का, उसका सारा सामान बाहर फेंक दो। नहीं भैया, क्या है ये सब, क्या कर रहे हैं आप? सब कुछ उसे देकर अपनी बेटी के साथ अन्याय करोगी? नहीं भैया, उसकी कोई भी आदत घर में नहीं रह सकती। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, पनौती खत्म होगी इस घर की। ये लीजिए सर। उससे कह देना आसपास नजर ना आए, अगर दिखा तो जान से मार दूंगा उसे। कह दूंगा सर, यहाँ नहीं दिखेगा, चलता हूँ। महापतिव्रता एक माँ को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। जो बच्चे अपनी माँ का दिल दुखाते हैं, उन्हें सुख की प्राप्ति कभी नहीं मिलती। जीवन में खुशियाँ दोगे। हाँ हाँ ठीक है, नूडल्स ही खाएंगे बेटा। यही सत्य है। अरे मणि, तू यहाँ कैसे, कहाँ गया था यार? पूरा लुक बदल दिया है, आधी खेती साफ कर दी है, अब लल्लन टॉप लग रहा है। ये मेरा बेटा है, हमेशा मोबाइल पर गेम्स खेलता रहता है। मामा को हाय बोलो। हाय मामा। लगता है तेरी तरह बनेगा। याद है शुरू होने से पहले ही हम बैट लगाते थे तो उसमें बहुत मजा आता था। तू दोबारा फॉर्म में आ जाना। कोई भी मुसीबत आ गई तो तुरंत ही तू मेरी उम्र भी तुझे लग जाए कहकर आशीर्वाद देने वाली सिर्फ माँ है। बदले में कुछ नहीं मांगने वाली सिर्फ माँ होती है। माँ जैसा व्यक्ति दुनिया में नहीं मिलेगा। दुनिया में जिस दिन मातृत्व नहीं होगी, ये दुनिया ही नहीं होगी। उस मातृत्व को कोटि कोटि प्रणाम। माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं कुछ नहीं। जब से खून में शराब मिलना बंद हुई तब से शरीर में ताकत बढ़ गई। साले को छोड़ना मत, मार साले को मार। सोच लो, मारूंगा तो बहुत मारूंगा। हे मणि, ये क्या हो रहा है? ये तुझे मारने क्यों आए? कौन है ये लोग? मेरे अतीत के कुछ लोग थे, जीत गया। आखिर समाज के खिलाफ मैं जीत ही गया। जोसेफ को पैसे देने के बाद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन मेरे बाप ने मेरा पीछा किया। असली परेशानी तो वहां से शुरू हुई जो मेरी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले आई। Jimmy!
एक्सप्रेस पर गिर गया। सॉरी। तुम्हारी ड्रेस सूख गई। 2 मिनट्स अब तक स्मेल नहीं गई। पापा को पता चला कि मैं पब आई हूँ तो मार देंगे। उनका डर है कि ये सारे पब्स शराब और ड्रग्स की दुनिया है। सूख गई? हाँ सूख गई, आ रही हूँ। सॉरी। अंदर ऐसे बंद करने से अच्छा था मुझे यहाँ बैठा देती, मैं आंखें बंद कर लेता। इतना भी यकीन नहीं है? मुझे तुम पर नहीं, मुझे अपने आप पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मजाक अच्छा कर लेती हो। तो फिर सीरियसली कुछ बोलूं? ये बात तुम्हें पहले भी बताई थी, तुम मुझे बहुत पसंद हो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। मणि तुम मुझे बहुत पसंद आई, मैं भी तुम्हें पसंद हूँ, तो हम दोनों शादी कर लें। मणि मणि कुछ कहते क्यों नहीं? अंदर आओ। सुनो सर। क्या मामला है? पंजारा हिल्स के जेट क्लब में रेड हुई थी सर, ये वहां ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए, इन्हें सेकंड शिफ्ट वालों को हैंडओवर कर रहे हैं। तुम्हारा नाम? पूर्णिमा नायडू। मणि। पूरा नाम बता। मणिशंकर। तुम्हारी जेब में ये ड्रग्स पाई गई हैं। टॉयलेट में मिला था तो पॉकेट में रख लिया। ड्रग्स बहुत कम था इसलिए तुमको ऐसे इज्जत देकर बात कर रहे हैं, नहीं तो पुलिस के तरीके और भी होते हैं। उस वक्त तुम दोनों कमरे में क्या कर रहे थे? पब में ड्रेस पर ड्रिंक गिर गई थी तो उसे वॉश करने गए थे। रूम नंबर क्या था? सेम रूम। हाँ क्या? वही 205। तुम हमेशा लड़कियों को अपने रूम में ले जाते हो? पब का टॉयलेट रिपेयर में है इसलिए। इनके ब्लड सैंपल्स चेक किए थे, ड्रग ट्रेसेस नहीं है। ये बताओ तुम्हें ड्रग्स लेने की आदत है ना? पहले थी। जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो, ड्रग्स की आदत है या नहीं? पहले थी अब नहीं है। सच सच बताओ। सच जानना चाहती हो? तब से अब तक मैंने ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाया। उस रात को मैंने क्या किया मुझे याद तक नहीं, पर उसके अलावा जो कुछ तुमसे कहा सब सच कहा। तुम्ही ने मुझे समझा नहीं, अभी भी सच ही बोल रहा हूँ मोनिका, आई लव यू। ए मजनू की औलाद, तुम पागल हो क्या? पूर्णिमा तुम बाहर वेट करो। ओके। भाई साहब आप भी बाहर जाओ ना। कार्तिक मैं बात करती हूँ। मोनिका उस दिन तुम्हें बताने की कोशिश की। मणि पुरानी बातें भूल जाओ, मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए। कार्तिक डिटेल्स फॉरवर्ड कर दो और केस फाइल मत करना। मोनिका ये वर्दी तुम पर जच रही है। क्या बोल दिया? तुम्हारी वर्दी कहाँ है? अभी बताऊं क्या? खुद तो रात को सोते नहीं हैं और हमें सोने नहीं देते हैं। नाम क्या है? मणिशंकर। पिताजी का नाम? अमरनाथ। फोन करके बुलाओ। उनकी मौत हो गई। ओ माताजी का नाम? माताजी का नाम? बच्चे को मुश्किलों से बचाने वाली माँ नहीं होती, खाली छोड़ दो। ए
क्या बकवास कर रहा है तू? अपनी माँ के बारे में ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आती है तुमको? और तो और, सारी गंदी आदतें हैं। चलो माँ का नाम बताओ। ए, तुम ही से कह रहे हैं, माताजी का नाम बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। ए, नहीं बताओगे तो इतनी जगह छेद करेंगे कि हर जगह से जवाब ही जवाब निकलेगा। नहीं बताऊंगा। मना करता है, बता। ए, हाथ हटा। कहा ना, मैं नहीं बताऊंगा। तुम क्यों इधर आ? तेरी इतनी हिम्मत, अपनी माँ का नाम लेने में तुझे शर्म आती है अपनी माँ का नाम लेने में? बदतमीज, तुझे तो खत्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। नहीं लेगा, अपनी माँ का नाम नहीं लेगा तू? बोल बोल, तुझे तो मर जाना चाहिए। जिंदा रहने का तुझे कोई हक नहीं। माँ, वो क्या है ना कि एक होटल की रेड में भैया और एक लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया। उसी वक्त भैया की जेब में ड्रग मिलने की वजह से मामा जी ने भैया को खूब मारा और छोड़ दिया। मार तो तूने पहले भी खाया है, पर इतना दुखी नहीं हुआ। तेरे और तेरे मामा के बीच क्या हुआ बता? अरे पल्लवी, उठ जा, तेरी बहन आई है। कैसे हो भैया? पुलिस स्टेशन में जो हुआ सुना मैंने। मामा जी ने मारा, इसलिए अपनी नफरत माँ पर मत बढ़ाना। माँ बहुत दुखी हैं, प्लीज उनके लिए तो एक बार घर आ जाओ। भैया कुछ बोलो, माँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। भैया भैया रुको। मणि भाई, कितना फोन किया मणि भाई, कहाँ थे? कल क्या सीन है मणि भाई? अरे कल तो संडे है, दारू पियेंगे और चिकन खाएंगे, बहुत मजा आएगा। ए, चुप करना। अबे रहने दे। मणि भाई, अपना पुराना बॉस सूर्या सनत नगर में किलर गेम रखी उसने भाई, बड़ी बैठे हैं मणि भाई। अरे हरी, परसों ही उसके मामा ने उसे बहुत मारा है, इसने गेम खेलना सब छोड़ दिया है। अभी तू जा यहाँ से प्लीज। सोच लो भाई, जो जीतेगा उसे 30 लाख मिलेंगे। इस गेम में चौपर मत मारना, वहाँ काली भी आएगा। चल। क्या करना है? मणि है, मामला रिस्की है, चलते हैं यहां से, निकल। मैं तुम्हें गेम के बारे में बता देता हूं। इस वक्त हम जहां हैं वहां पर हैं 117 सड़कें, और इनमें से किसी एक सड़क पर एक कार खड़ी है जिसकी डिक्की में है एक बैग जिसमें है 30 लाख। इतनी भीड़ भाड़ में अगर किसी ने वो 30 लाख ढूंढ लिए तो वो पैसे उसके। उस कार को ढूंढने के लिए मैं तुम्हें एक सुराग दूंगा। उस कार के 4 नंबरों को एक साथ जोड़ने से नंबर 7 बनता है, ये नंबर याद रखना, और उसका आखिरी नंबर है 2। तुम सबको उस कार की चाबी दी गई है। तुम्हारे यहां से निकलने के बाद मैं तुम्हें एक सिग्नल दूंगा और तब ये गेम शुरू होगा। ये गेम हम शहर के बीचों बीच खेल रहे हैं, इसका मतलब बाहर बहुत सारे लोग होंगे और उनके बीच तुम ये खतरनाक खेल खेलोगे। अगर लोगों को पता चल गया कि तुम वहां पैसे ढूंढ रहे हो सकता है वो लोग तुम्हें पकड़ ले या फिर पुलिस को खबर कर दे, और अगर पकड़े गए तो हम जिम्मेदार नहीं है।
अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी, किसी को दिखे बिना गायब हो जाओ, यही है गेम। तुम सब समझ गए? आओ इधर आओ। ये सब क्या है? खेलने वाले लगाएंगे, तुम भी लगा लो। अरे जच रहे हो? चलो आज मजा आने वाला है। कंट्रोल रूम, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें बैकअप चाहिए जल्दी। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, तेरे लिए आया था।
भाई आपसे एक बात करनी थी। मुझे 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। हाँ? तुझे पता भी है 5 लाख कितने होते हैं? औकात भूल गया? अच्छा, अय्याशी करते वक्त आपको कभी मेरी औकात याद नहीं आई? कई सालों से वफादारी से काम कर रहा हूँ मैं आपके लिए। कुत्ता कितना भी वफादार हो, कुत्ते को कुत्ता ही कहा जाता है। आज 30 लाख और आपकी जान भी इस कुत्ते ने ही बचाई है, ये बात आप याद रखना। उधर चल, बाहर निकल, निकल बाहर, निकल। 5 लाख चाहिए, काली से पैसे मांगेगा। शराब, सिगरेट, लड़कियां, इन्हीं की तरह दुश्मनी की भेक लत लग जाती है। हेलो सर, यहाँ एक मर्डर हुआ है सर। मर्डर कहाँ? रेस टीम को इन्फॉर्म करो। ओके सर। एसीपी साहब को मैसेज करो। जी सर। ये कैसे हुआ? पता कौन है वो? पता नहीं भाई। वो जो भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मार दूंगा उसे। लिंगमपल्ली रेलवे ट्रैक के पास बेरहमी से एक खून हुआ है। पुलिस ने बताया है कि जिसका खून हुआ है उसका नाम है कालीचरण। सुनने में आया है कि इसका शमशाबाद के एमएलए जीवा रेड्डी से कुछ संबंध है। शहर के कमिश्नर ने आदेश दिया है कि स्पेशल ऑफिसर सुधीर रेड्डी नारायण को इस केस के लिए नियुक्त किया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि सुधीर रेड्डी नारायण, जिन्हें विवाद का दूसरा नाम भी कहा जाता है, अपने केस को जल्द से जल्द बंद करवा देते हैं, तो कुछ का कहना है कि वो धमका कर गुनाह कबूल करवाते हैं। सुधीर रेड्डी नारायण का दावा है कि वो कालीचरण के हत्यारे को 48 घंटों में ढूंढ निकालेंगे। नीचे उतरो सब के सब, आ जाते हैं तमाशा करने के लिए। ऐसा करने की सजा क्या होती है पता भी है? गेट पे क्यों चढ़ रहा है? ये गेट क्या तेरे बाप का है? जूता दे। मेरा मुंह क्या देख रहा है? पहना जल्दी। वो किसके साथ घूमता है, कहाँ घूमता है, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। जरूरत पड़े तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की मदद ले लो। मेरा नाम सुधीर रेड्डी नारायण है, स्पेशल ऑफिसर। काली मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन के लिए कमिश्नर ने अपॉइंट किया है। देखो ऑफिसर, काली की मौत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसे किसने मारा ये मैं जानना चाहता हूँ। जहां तक मुझे याद है उसका कोई दुश्मन तो था नहीं। क्या मैं घर की तलाशी ले सकता हूँ? जो एक वक्त काली का जानी दोस्त था, जानी दुश्मन बन गया। चल आ जा। क्या हुआ सर? आना? मैं तो काली से मिला भी नहीं। चल सर, बहुत दिनों से मेरी काली से बात भी नहीं हुई। सर मुझे कुछ भी नहीं पता। सर मुझे क्यों पकड़ रहे हो? सर सर मैं कुछ नहीं जानता सर। ए ऑफिसर, दुश्मन ने मारा है या दोस्त ने, ये बात मैं तय करूंगा। भाई बात कीजिए ना भाई। चल ले जाओ सर। मुझे कैसे बात नहीं करता ये। सुनो,
सर। गुरुजी वही सुधीर रेड्डी नारायण, उन्होंने चार्ज संभाल लिया और अरेस्ट करना भी शुरू कर दिया। सारे सस्पेक्ट्स को वहाँ लेके जाना है। यहाँ का स्टेटस क्या है सर? काली से जुड़े हुए जिन तीन लोगों पर हमें शक है उन्हें तो पहले से अरेस्ट कर लिया गया है और पोस्टमार्टम में भी काली की लाश पर से छोटे छोटे कलर पार्टिकल्स मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि सनत नगर के किसी सीक्रेट गेम में उसने हिस्सा लिया था। वहाँ काली का किसी और के साथ पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था और उस आदमी को पता चल चुका है सर। कौन है वो? क्या तेरा ही नाम मणि है? हाँ। आ चल गाड़ी में बैठ। कहाँ ले जा रहे मुझे? चल जाने जल्द सब पता चल जाएगा। चल चलो। ये ले। नहीं नहीं बस हो गया। खाना एक और खाएगी तो क्या हो जाएगा? हेलो ललिता, क्राइम ब्रांच वालों ने मणि को एक मर्डर के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है। मर्डर? हाँ। क्या हुआ माँ? बताओ ना क्या हुआ? तेरा भाई मर्डर केस में पकड़ा गया है। अंदर क्या हो रहा है? एमएलए का रिश्तेदार काली मर्डर केस में पकड़ा गया है। सस्पेक्ट्स का इंट्रोगेशन थाने में होना चाहिए ना, यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये नारायण सर का ऑर्डर था मैडम, इसमें हम क्या करें? आप जानते हैं ना सर, टोटल सस्पेक्ट्स ये 5 लोग हैं। सर, इन 5 का काली से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक जरूर है। इनके मोबाइल सिग्नल के हिसाब से ये लोग क्राइम सीन से करीब 5 किलोमीटर के रेडियस में थे सर, तो खूनी जरूर इनमें से एक होगा। तू निकल। शंकर तू भी निकल। इन बड़े लोगों के केसेस में हमेशा बहुत प्रेशर होता है और इस तरह के प्रेशर वाले केसेस वो नारायण ही संभालता है और ऐसे केसेस को डील करने का नारायण का तरीका ही अलग है। मारता है, पीटता है, कूटता है और जब तक सच बाहर ना आ जाए केस क्लोज नहीं होता। आजा, यहाँ खड़ा हो जा। पिछले महीने एक रेप केस में निर्दोष को फंसाने वाला भी ये नारायण ही था। राजेश, मेहमानों की खातिरदारी नहीं करोगे? हाँ सर। सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर, माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। सर सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जाता सर, मुझे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे प्लीज सर, छोड़ दीजिए सर। सर नहीं मानोगे, मैं कुछ नहीं जाता। वो नहीं सर, मुझे इस मणि पे शक हो रहा है, इसके बारे में सब पता चल गया है। कुछ भी कर सकता है, ये अपनी माँ को मोड़ तक ले गया सर। बोल, बोल, नहीं तो मार दूँगा। काली का भी इसी के साथ झगड़ा हुआ था सर। अब तू बताएगा। राजेश, इसे बिरयानी खिलाते हैं। किया तेरी ये जिद और अकड़ हमारे सामने नहीं चलेगी। माँ का लाडला वो जिंदा रहना चाहिए लेकिन उसकी अकड़ मरनी चाहिए। अब से उसके चेहरे पर घमंड हिम्मत नजर नहीं आनी चाहिए और उसकी ताव दी हुई मूछें भी।
तू बच गया मोटे, जा घर जा। मणि ने मुंह खोल दिया, कबूल कर लिया कि खून उसी ने किया है। भाई, काली को मारने वाले का नाम मणि है, वो किसी पब में डीजे का काम करता है। उन दोनों के बीच पैसों को लेकर हमेशा झगड़ा होता था। सुना है उसकी कोर्ट में 2 हफ्तों में हाजिरी है। ओके, प्रोसीड कीजिए। योर ऑनर, अगस्त 26 तारीख को कालीचरण नाम के गुंडे को मनीष शंकर ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। इसका कारण था इन दोनों के बीच पैसे को लेकर झगड़ा, जैसा इन्होंने पुलिस को बताया। मणिशंकर, पुलिस का कहना है कि तुमने ये कबूल कर लिया है कि तुम ही ने हत्या की है। अब बताओ, क्या वाकई तुमने ये खून किया है? बताओ, तुमने ये खून किया है कि नहीं? काली को मैंने ही मारा है। जब मैं मुसीबत में था तब आली से ही वक्त देखकर मुझे मार पीट के मेरे पैसे लेकर भाग गया। उसने मेरी जिंदगी तितर बितर कर दी थी। उस दिन अचानक काली इंदिरा गेट के पास नजर आया, तब मुझे काली पर गुस्सा था, लेकिन मारने का इरादा नहीं था। मेरी जिंदगी बर्बाद करके दोबारा पैसों के लिए वो मुझसे झगड़ा कर रहा था, तो बर्दाश्त नहीं हुआ। उससे मैं वहीं मिली एक रॉड से उसे घोंप दिया। उसके बाद उस रॉड को मैंने पास वाले तालाब में फेंक दिया। अक्सर इंसान गुस्से में कुछ भी कर बैठता है। पैसों के लालच में, पुरानी दुश्मनी की वजह से अनजाने में मणिशंकर नाम के इस आरोपी ने कालीचरण नाम के व्यक्ति की हत्या करने का जुर्म कबूल किया है। लेकिन ये हत्या एक हादसा थी, कोई सोची समझी चाल नहीं थी। इसका यकीन करते हुए कोर्ट इस मणिशंकर नाम के मुजरिम को आईपीसी सेक्शन 302 के अनुसार 7 साल की कठिन कारावास की सजा सुनाने का फैसला लेती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। चलो पता चल गया क्या? अच्छा हुआ, ऐसा कुछ समझ नहीं आया आज से ज्यादा। चलो इससे तो सबक मिलना ही चाहिए। भाई, उसे 7 साल की सजा मिली है। रेडी, इसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो। ओके सर, चल रहे। वो आ गया। ए, कौन है तू? दुर्गा के भाई को मारा है तूने? समझ ले कि कोर्ट ने तुझे 7 साल की मोहलत दी है, जो काफी नहीं है। याद रख ले, जोर से। ए, अपना हाथ अपने पास रख, ले जा। मणि ने कत्ल करने की बात कबूल कर ली है। आखिरकार पैसों के लिए उसने किसी की जान भी ले ली। मुझे यकीन है एक न एक दिन मेरा बेटा जरूर आएगा। सोच रहे होगे ना मैं यहाँ क्यों आई हूँ। बदल जाते हैं इंसान भी और हालात भी। खैर छोड़ो, कैसी रही ये 4 हफ्तों की तुम्हारी जेल की जिंदगी? तुम पहले जैसे थे अब वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। इसकी वजह तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम काफी बदल चुके हो। अब ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हारा केस अच्छे से स्टडी कर लिया।
कोर्ट को तो तुमने यकीन दिला दिया कि वो मर्डर तुमने किया है, लेकिन मेरे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि वो मर्डर तुमने नहीं किया। अगर मेरा साथ दो तो ही मैं ये प्रूफ कर पाऊंगी कि तुमने वो मर्डर नहीं किया। मेरे ख्याल से जिस जगह पर वो मर्डर हुआ था उस जगह पर पहले से ही कोई और मौजूद था। वो तीसरा इंसान कौन था? बोलो मणि। बोलो वो कौन था? मणि रुक जाओ, मैं जानती हूं हकीकत क्या है। तो मैं पुलिस की वर्दी ही नहीं, पुलिस का दिमाग भी अच्छी तरह जट गया। रुको मणि, आखिर तुम क्या छुपा रहे हो? प्लीज बताओ वो इंसान कौन था। मणि बताओ वो डार्क सीक्रेट क्या है। हे मणि, जेलर साहब आए हैं। क्या हुआ, यही सोच रहे हो ना इन चार दीवारों में कब तक रहोगे? तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, अच्छे बर्ताव की वजह से तुम दो दिन में रिहा हो रहे हो, ऑर्डर्स मिले हैं। कांग्रेट्स। यार मनी, मैं बहुत खुश हूं कि तू छूटने वाला है, लेकिन अब क्या हो गया? एक बुरी खबर है यार, तूने काली को मारा है ना, इसलिए दुर्गा तेरे बाहर आने का इंतजार कर रहा है। दुर्गा ने ठान ली है कि 24 घंटे के अंदर वो तुझे मार देगा। वो मणि कल ही जेल से छूट रहा है, बाहर आने के बाद उसके हर कदम पर हमारी नजर होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। अब खुश है ना? भाई अपने बंदे का फोन था, अब निकल सकते हैं। काली की मौत का इंसाफ आज होगा। मैं जानता हूं तू यही कहीं पर है, मेरे भाई की मौत का इंसाफ मैं आज करूंगा, निकल बाहर। ढूंढो उसे। Yeah.
मणि ने जेल की सजा तो काट ली लेकिन इतने साल बाद भी उसने वो सीक्रेट नहीं बताया। बट वन थिंग इज श्योर, मणि खूनी तो बिल्कुल नहीं है। मणि खूनी नहीं है? नहीं, लेकिन ये सब उसने किसके लिए किया ये तो समझ नहीं आ रहा। जब काली का खून हुआ था मुझे पक्का यकीन है कि वहां मणि के साथ कोई और भी था। बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। माँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। भैया एक मिनट रुको, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। कई दिनों से मैं आपको कुछ बताना चाहती थी भैया। हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी में रात को कुछ लोगों का गैंग नशे में रहता है। उनमें से एक मेरे पीछे पड़ा है, बहुत लंबा जाइंट की तरह दिखता है, नाम कालीचरण है। एक दिन जब एकेडमी से घर लौट रही थी तो अचानक काली ने मुझे धर दबोचा, लेकिन तभी वहां एक पुलिस पेट्रोलिंग जीप के आने की वजह से मैं वहां से भाग गई। ये सब मैं माँ को बताना चाहती थी लेकिन वो परेशान थी, इस वजह से चेन स्नैचिंग का मामला बता दिया। तुम्हें ये क्या हुआ? वो आदमी मेरी चेन लेकर भाग गया, वो मेरे पीछे ही पड़ गया था। वो मुझे बार बार कॉल करता था और गंदी गंदी बातें करता था। छी, इडियट, दोबारा फोन मत करना। मैं ये बात सबको बताना चाहती थी लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर ये बात मैंने किसी को बताई या उसकी बात ना मानी तो वो माँ को मार देगा। माँ को बीच में मत लेकर आओ प्लीज। तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही कर। मुझे बहुत डर लगता है भैया, पता नहीं वो कब क्या करेगा। वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान है भैया, मैंने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई। मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं आया हूं, तेरे लिए आया हूं। हेलो भैया, काली ने मुझे किडनैप कर लिया था, वो मेरे पीछे ही पड़ गया था भैया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और इसी दौरान मुझे वहां कुछ मिल गया। हेलो, हेलो भैया, मैंने काली को मार दिया। जो जुर्म मणि ने नहीं किया वो उसकी सजा क्यों काट रहा है? या हो सकता है मणि ये सब पैसों के लिए कर रहा हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, जेल में रहकर वो पैसों का क्या करेगा। जो इंसान पैसों के लिए अपनी माँ पर केस कर सकता है वो इंसान
किसी और का जुर्म अपने सर पर लेकर इतना बड़ा सैक्रिफाइस क्यों करेगा? कुछ तो गड़बड़ है मोनिका। मुझे लगता है मणि में जरूर कोई बदलाव आया है। कृष्णा ने बताया जब से पुलिस स्टेशन में मणि को उसके मामा ने पीटा है तब से मणि के बिहेवियर में काफी बदलाव आया है। मणि मार खाकर बदलने वालों में से नहीं है। उन चार दीवारों के पीछे जरूर कुछ हुआ है। तूने हम सबको छोड़ दिया तो और क्या करता? आज तक तू जो भी करता रहा मैं चुप रहा। यहाँ तक कि तूने अपनी माँ के पेट पर लात मारी फिर भी देखता रहा। और आज तू कह रहा है कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तू सच कह रहा है। तुझे जन्म देने वाली माँ ललिता नहीं है। असल में तेरी माँ कौन है यह हमें भी नहीं पता। पता है जब तू 9 दिन का था कचरे के डिब्बे में पड़ा था और कुत्ते तुझे नोच रहे थे उस वक्त इसी माँ के आंचल ने तुझे सहारा दिया। तू किस जाति का बेटा है, किस माँ का बेटा है, किस बाप ने पैदा किया है तुझे, कुछ भी नहीं सोचा तेरी माँ ने। लाखों अपमान सहकर भी, समाज के ताने सहकर किसी को कुछ नहीं बताया उसने। अगर उसने बताया तो सिर्फ ये कि तू उसी का बेटा है। तेरी माँ ने जो बच्चों पर किताब लिखी है वो बच्चा तू ही है और उस गांव के लोग तेरे माँ बाप हैं। तेरी माँ ने तेरे भविष्य के लिए कितने सपने देखे थे। उस किताब में तुझे कलेक्टर बनाया उसने और तूने उसे सड़क पर लाकर एक माँ की ममता का अच्छा सिला दिया। जिंदगी भर उसने तुझे अमृत पिलाया और तू उसे जहर देकर मार रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ जो कुछ हुआ वो किसी को मत बताना, माँ को तो बिल्कुल भी नहीं। ये पैसे ले जाओ, तेरी वजह से जो कुछ भी गिरवी रखा है सब कुछ छुड़ा लेना। किसी को पता ना चले कि ये पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं। वैसे भी माँ को मुझसे कोई उम्मीद नहीं है। उन्हें लगता उनका बेटा कभी नहीं सुधरेगा। कम से कम तुम उनकी उम्मीद बनी रहो, वादा करो। जाओ। पल्लवी, माँ का ध्यान रखना। Thank you.
गई क्या? जिंदगी भी अजीब है ना। मां ने यह बात छुपाई कि मैं उनका बेटा नहीं, और मैंने उनसे छुपाया कि यह सब मैंने उन्हीं के लिए किया। शायद ये राज हमेशा के लिए हमारे ही अंदर रह जाए। मैं ये नहीं मानूंगा कि मैंने जो जेल की सजा काटी उससे मां का एहसान पूरा कर सका। मां का एहसान चुका पाने वाला बेटा तो अब तक पैदा ही नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। बचपन से मैंने अपनी मां को अपना दुश्मन माना। वो जितना मेरे करीब आना चाहती थी मैंने उन्हें उतना ही दूर किया। अब मैं मां के साथ रहना चाहता हूं लेकिन रह नहीं सकता। उस दुर्गा को लगता है मैंने मां पर जो केस किया उसकी वजह से हम दोनों की नहीं बनती। अब अगर मैं मां के साथ रहा तो मेरे ऊपर का गुस्सा वो मेरी मां पर उतार सकता है। किसी वक्त मुझे ड्रग्स और गैम्बलिंग की लत थी, अब से मुझे सिर्फ एक ही लत है, मेरी मां। इस पल से मेरे अपनों पर कोई भी मुसीबत आए मैं उनके आगे खड़ा रहूंगा। अब तक खुद जीतने के लिए मूछों पर ताव दी थी, पर अब से अच्छाई की जीत के लिए मुझ पर ताव दूंगा। Come on.